शिवपुरी में आतिशबाजी से हुआ विस्फोट, हादसे में एक की मौत, 20 लोग घायल, 5 की हालत गंभीर। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने की दबंगइयों पर कार्रवाई की तारीफ, कहा अपराधियों पर राज्य सरकार की कार्रवाई प्रशासनीय, खरगोन हिंसा मामले में हुई है कार्रवाई। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान, मध्य प्रदेश में होगी 3000 पटवारियों की भर्ती, प्रदेश में 5204 पदों पर होनी है पटवारी भर्ती। भोपाल विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की, सीएम शिवराज सिंह चौहान को भेजा मांग पत्र, विधायक रामेश्वर ने ट्वीट पर आपत्ति जताई, आपत्ति के बाद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट डिलीट किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना, बोले उन्हें जेल के नियमों की जानकारी नहीं, जेल के अंदर फोटो वायरल मामले में जेल अधीक्षक मनोज कुमार को किया निलंबित। सीएम शिवराज ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने धार्मिक स्थल पर झंडा फहराने का जो फोटो पोस्ट किया वो गलत, दिग्विजय सिंह ने धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र रचा। मध्य प्रदेश के खरगोन में असामाजिक तत्वों ने 3 बस और कार में लगाई आग का एक स्थान पर पथराव भी किया, पूरे शहर में अब कर्फ्यू जारी। रायपुर में आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को हाईकोर्ट ने दिया नोटिस, कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट में लगाई थी याचिका। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को नोटिस मामले में बोले नेता प्रतिपक्ष, बीजेपी नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने हाईकोर्ट के नोटिस को सामान्य प्रोसेस बताया। खरगोन में आगजनी की सूचना पर इंदौर और खरगोन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, फायर फाइटर ने समय रहते आग पर काबू पाया। बड़वानी में रामनवमी जुलूस पर हुए पथराव को लेकर एक्शन मोड में पुलिस, जिला पुलिस प्रशासन ने कुल 11 एफआईआर दर्ज की, 7 दबंगइयों को हिरासत में लिया गया। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का एक फिर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, गलत फोटो ट्वीट कर बिहार के मुजफ्फरनगर के फोटो को बताया एमपी के खरगोन का फोटो, सोशल मीडिया में ट्रोल होने के बाद डिलीट किया फोटो। विवेक तनखा ने ट्वीट कर कहा, राजनांदगांव जिले की महिला उद्यमियों माधुरी ने सशक्तिकरण योजना का लाभ उठाया। ग्वालियर में इंस्पेक्टर दीपक गौतम ने झुलसने के मामले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के पहुंचे आरोपों से मिलने, आरोपी से ग्वालियर जेल में मुलाकात का वीडियो वायरल, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डीसी जेल से मांगी मुलाकात की रिपोर्ट। बीजेपी महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना, दिग्विजय सिंह पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया, बोले उन्हें इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। दिग्विजय के ट्वीट पर बोले विश्वास सारंग, उन्होंने अराजकता फैलाने के लिए रखी है सुपारी, दिग्विजय सिंह ने बिहार की घटना को बताया खरगोन की घटना।